सर मेरी बहू मेरे को बहुत परेशान करती है सर, वो हाथ काटती है, कहीं फांसी में लटकती है सर, पुलिस की धमकी देती है और मेरे को जेल भेजाने की धमकी देती है सर, और एक साल से मेरे को घर से बाहर निकाल दी बहुत बनाने के लिए जा जाते थे तो सेकंड होटल में ही रह जाते। अच्छी बात है, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा तब सब मिलेगा। लॉर्डशिप हम तो ऑलरेडी रखने के लिए ही तैयार थे, रखने का स्कोप ही नहीं है मैडम। हम इकलौती संतान लॉर्डशिप, हमारे भी बच्चे भी संतान कहाँ है, आपकी बहनें भी तो है, इकलौती संतान का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो अदर चाइल्ड। लॉर्डशिप अभी हमारा सबमिशन इतना सी है कि हम एक ही मकान में रह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी अभी रहने के लिए नहीं है, बच्चे भी लॉर्डशिप हमारे पढ़ रहे हैं अभी, कुछ दिन के लिए लॉर्डशिप हमें थोड़ा सा उसमें टाइम दे दिया जाए, तो महीने का टाइम दे देते, एक महीने में खाली कर दीजिए मैडम से पूछ के। मदर ने अपने पुत्र के अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए लगाया था और उनका ये कहना था कि हमारे संपत्ति से उन्होंने बेदखल करने के लिए लगाया था, तो 16/9/2022 को लॉर्डशिप ऑर्डर हुआ था। फिर उसके बाद फिर उसमें लॉर्डशिप आदेश हो गया कि घर खाली कराया जाए आपको ना जी। फिर इसके लॉर्डशिप हम इकलौती संतान है और हमारा बस इतना संबिशन था कि हम अपनी मदर का प्रॉपर देख रेख कर रहे थे। नहीं, जब फिर माता जी को क्या जरूरत पड़ गई आपके खिलाफ लगाने की? लॉर्डशिप इनकी पुत्रियां भी हैं, तीन तीन पुत्रियां हैं, तो एक ही इकलौती संतान है और मकान है, तो उन पुत्रियों का भी कहना है कि इसमें हमें भी दिया जाए, और वो वृद्ध मदर है तो वो अपने पास दैट इज नॉट अ ग्राउंड। आपने कुछ उनके साथ में अभद्रता की होगी, ये सीनियर सिटीजन वाला है ना ये? यस लॉर्डशिप, सीनियर सिटीजन वाला है। या उपलब्ध है क्या? यस मैडम, बुलाइए सामने, बुलाइए। यस मैडम, ये जो परेशानी सर, मेरी बहू मेरे को बहुत परेशान करती है सर, वो हाथ काटती है, कहीं फांसी में लटकती है सर, पुलिस की धमकी देती है और मेरे को जेल भेजाने की धमकी देती है सर, और एक साल से मेरे को घर से बाहर निकाल दी बहू बेटे ने, मैं रिश्तेदारों के यहाँ यहाँ से वहां भटक रही हूँ सर, ठंड में मेरा घर मेरा पति का घर सर बनाया हुआ, मैंने अपने बेटे को सर्विस दी हूँ, मैंने अपने पति की सर्विस, आप ही सर थे मेरे पति, उसकी सर्विस बेटे को दी हूँ, जिससे वो 80,000-1,00,000 रुपए कमा रहा सर, मेरे को घर से निकाल दिए बाहर। आपको पेंशन मिलती है? जी लॉर्डशिप, पेंशन मिलती है लॉर्डशिप। ठीक है मैम, कुछ है नहीं इसमें लॉर्डशिप, एक ये अपनी पुत्रियों के साथ रहती है, जबकि हम इनको 2 मिनट लॉर्डशिप, जबकि हमने की जरूरत ही नहीं, वो उनका घर है लॉर्डशिप। 100 वर्जित इनकी पुश्तैनी नहीं है और इनके नाम से भी नामांतरण नहीं है, हमारा सिर्फ संबिशन इतना था लॉर्डशिप कि हम रखने के लिए तैयार थे, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में हमें लॉर्डशिप बनाने के लिए इजाजत देते थे और सेकंड होटल में ही रह जाते। अच्छी बात है, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा तब सब मिलेगा। लॉर्डशिप हम तो ऑलरेडी रखने के लिए ही तैयार थे, रखने का स्कोप ही नहीं है मैडम। हम इकलौती संतान लॉर्डशिप, हमारे भी बच्चे भी संतान कहाँ है, आपकी बहनें भी तो है, इकलौती संतान का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो अदर चाइल्ड। लॉर्डशिप अभी हमारा संबिशन इतना सी है कि हम एक ही मकान में रह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी अभी रहने के लिए नहीं है, बच्चे भी लॉर्डशिप हमारे पढ़ रहे हैं अभी, कुछ दिन के लिए लॉर्डशिप हमें थोड़ा सा उसमें टाइम दे दिया जाए, तो महीने का टाइम दे देते, एक महीने में खाली कर दीजिए मैडम से पूछ के देते, एक महीने का टाइम जनवरी के पहले खाली कर दीजिए। मेरा इतना लॉर्डशिप संबिशन था कि फैमिली मैटर था, थोड़ा सा मेडिएशन के लिए हो जाता, दोनों माँ और बेटी तो बैठी हुई है, लॉर्डशिप हमारे पक्षकार में अपने बेटे से सुलह बात करने के लिए मेरे कान में सुनाई नहीं देता। आपको बताइए क्या ये अपने बेटे के साथ बैठ के बात करने के लिए कोर्ट में तैयार है? क्या यहाँ बात कर सकते हैं बेटे बहू से? जी सर कर सकते हैं, हम तो लिखिएगा श्रीमती सविता चौधरी, श्रीमती नहीं सविता, मिस सविता चौधरी लर्नेड काउंसिल फॉर दी पिटिशनर श्री। हां एक सबमिशन था माय लॉर्ड, अभी मेरा पावर फाइल नहीं है, मैं गया था तो बहुत दिन परमिशन थे, कर देता भैया नाम बताइए। मेरा रॉन्ग वो है, सुलह करने के लिए बोल रहे हैं कि सुलह करने के लिए तैयार नहीं, मैं नहीं रह सकती, खतरा है इनसे बहू बेटे से। हां वहां कोर्ट में इनको समझाइए, आज जाके समझाइए क्या कोर्ट में बहू बेटे को बुला के एक बार आप सुलह करना चाहते हैं? सलाह नहीं करना चाहते उनसे, बिल्कुल नहीं, खतरा है अब उनसे नहीं, कोर्ट में, कोर्ट में तो कोई खतरा नहीं, कोर्ट में आप चाहती हैं कोर्ट में उनको बुला के बात करने के लिए आप तैयार हैं? नहीं खतरा है बिल्कुल, तुम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम रखेंगे अच्छे से, पर उन लोग बहू का बिल्कुल विश्वास नहीं, कॉलोनी वाले से आप पूछ लीजिए सर, मैंने कॉलोनी वाले को बुलाया यहाँ पे कोर्ट में सर। मेरा सबमिशन ये था माय लॉर्ड्स कि ऑलरेडी 16/9/2022 का ऑर्डर है और कलेक्टर साहब ने इसी जो एमपीयू ने ऑर्डर दिया है उसमें इन्होंने ये कहा था कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं मुझे समय चाहिए, तो ऑलरेडी 2 मंथ का 60 डेज का ऑर्डर दिया है इनको वैकेट करने का, तो 60 डेज के ऊपर 90 डेज हो गए फिर भी इन्होंने वैकेट नहीं किया, साइमल्टेनियसली एक यहाँ प्रोसीडिंग लगा ली और यहाँ के पहले सेम ग्राउंड पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक प्रोसीडिंग लगा दी पार्टीशन की। अच्छा ये प्रोसीडिंग पहले की है, तो मतलब ये ओल्ड एज जो मदर
एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करे और एक यहाँ अटेंड करे, और कोर्ट को मिसलीड किया है यहाँ। बताइए कहाँ लिखा है आपने इस पिटीशन में ये पार्टीशन सूट के बारे में? ये तो बाद में लगाए ना लॉर्ड सिंह, ये तो पहले यहाँ पर लगाए, उसके बाद में नहीं, वो 12 को लगा है लॉर्ड इसमें है, उसके लिए 12 को और 13 को लगा यहाँ। ये सूट किस तारीख को लगा है? 12 को फाइल हुआ है वहाँ, और यहाँ 13 को फाइल हुआ है एमपी। तो लॉर्ड सिंह वो संपत्ति पे हक और स्वामित्व के लिए लगाए हैं लॉर्ड सिंह, और ये 16/9/2022 के अगेंस्ट यहाँ पर लगाए हैं लॉर्ड सिंह। इसको कुछ है नहीं इसमें। मिस सविता चौधरी लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशनर, दिस मिसलेनियस पिटीशन श्रीमती गीता रजक रिस्पोंडेंट नंबर 1 प्रेजेंट इन पर्सन अलोंग विद हर काउंसिल श्री संतोष आनंद यस। नेक्स्ट, दिस पिटीशन इज फाइल्ड बाय द सन बीइंग एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 16/9/2022 पास्ड बाय कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जबलपुर इन केस नंबर 0058/Appeal/02022/23। आपकी माताजी की एज क्या है? अराउंड 65 माय लॉर्ड्स। ठीक है। वेयर बाय लर्नेड कलेक्टर हैज पास्ड एन ऑर्डर अंडर द इनवोकिंग द प्रोविजंस ऑफ उस एक्ट निकाल लिएगा, सीनियर सिटीजन का भरण पोषण वाला अधिनियम का पूरा नाम लिखा दीजिएगा इतना इतना, एंड हैज आस्क्ड द पिटीशनर टू लीव द हाउस ऑफ द रिस्पोंडेंट व्हिच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड दैट शी हैज अ थ्रेट फ्रॉम हर डॉटर इन लॉ एंड शी हैज बीन Externed from that house without any rhyme or reason. Next, Ms. Savita Chaudhary submits that her client is willing to keep the mother full stop. She is not living with her full stop. At this stage, Shri Santosh Anand submits that a suit for partition is also filed by the petitioner as is registered before the district court Jabalpur as RCS 1287/2022 Rajesh Rajak versus Geeta Rajak and this fact is suppressed in the present writ petition. Full stop. Miscellaneous petition. Full stop. It is submitted. Next, well, at this stage, Ms. Savita Chaudhary submits that her client has small children and some time be granted to her to vacate the house. Next, well, taking these facts into consideration and with the consent of the opposite party Shrimati Geeta Rajak, it is directed that petitioner shall vacate the house on or before 30th January 2023. Shall hand over vacant possession of the property in favor of sir 15 din rakhiye sir in favor of the respondent Shrimati Geeta Rajak. Full stop. As far as merits are concerned, there is no substance in the petition, especially when mother is present before this court. She has categorically made allegations against the daughter-in-law and the son, pointing out that there is threat to her life and the purpose and object of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act is to protect the interests of the senior citizens and recognize senior citizens. Full stop. In view of such facts, petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is dismissed with the direction that vacant possession of the suit property shall be property in question shall be handed over in favor of the respondent on or before 30th January 2023, failing which respondent will be entitled to seek interference from the concerned court for executing the orders of the collector.